यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों की संख्या को देखकर भारतीय युवाओं के बीच इतना क्रेज बढ़ता जा रहा है। हर साल इस परीक्षा में करीब 5 लाख युवा आवेदन करते हैं। इसमें कई ज्यादा आवेदन राज्य पीसीएस की परीक्षाओं के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीसीएस और आईएएस के अंतर के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आईएएस और पीसीएस की चयन प्रक्रिया की। आईएएस, इनकी बहाली संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से होती है। पीसीएस, ये राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा द्वारा भर्ती किए जाते हैं। आईएएस, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लोक सेवकों की भर्ती और सेवा संबंधित सभी मामलों का फैसला करता है। पीसीएस, संबंधित राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा संबंधित सभी मामलों का फैसला करता है। दोस्तों, बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम की। आईएएस की परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार, इसमें प्रश्न तथ्यात्मक की तुलना में अधिक अवधारणात्मक होते हैं। पीसीएस की बात करें तो ये भी 3 चरणों में होती है परीक्षा, लेकिन इसमें अवधारणात्मक प्रश्नों की बजाय तथ्यात्मक प्रश्नों पर जोर दिया जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अनिवार्य योग्यता एप्टीट्यूड परीक्षा यानी सीसेट होती है, जो उम्मीदवारों की तर्क कौशल का आसानी से परीक्षण करता है। राज्य लोक सेवा परीक्षा में सीसेट का पेपर हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें एकमात्र क्वालिफाइंग क्षेत्रीय भाषा का पेपर होता है। कुछ राज्यों में अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भाषा का पेपर या सांख्यिकी का पेपर होता है। आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन इसमें ये आवंटित किए गए कैडर में राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है, इसलिए ये पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। तो बात करते हैं निष्कासन की। एक आईएएस अधिकारी को सेवा से निष्कासित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही होता है। राज्य सरकार के पास इन अधिकारियों के स्थानांतरण, निलंबन और निष्कासन का पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, बात करते हैं आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की वेतन की। आईएएस अधिकारियों के वेतन की बात की जाए तो इनका वेतन और पेंशन कैडर राज्य देता है, चाहे ये किसी भी राज्य में सेवा दे रहे हो। पूरे देश में इनका वेतनमान एक समान होता है। पीसीएस अधिकारियों की बात करें तो इनका वेतन पेंशन पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथों में होता है। ये जिन राज्यों में सेवा दे रहे होते हैं उनके अनुसार उनका वेतनमान अलग अलग हो सकता है। आईएएस अधिकारियों में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी है, जो लोक सेवकों की नौकरी, वेतन, कैडर प्रबंधन और प्रशिक्षण में वर्गीकरण से संबंधित है। पीसीएस में कार्मिक विभाग या आम प्रशासनिक विभाग राज्य की केंद्रीय कार्मिक एजेंसी होती है, और यही एजेंसी इनकी नौकरी, वेतन, कैडर प्रबंध और प्रशिक्षण के वर्गीकरण से संबंधित होती है। एक आईएएस अधिकारी अपना करियर एसडीएम से शुरू कर सकता है और भारत सरकार में सचिव पद तक पहुँच सकता है। नौकरी शुरू करने के बाद आईएएस अधिकारी को जिला कलेक्टर बनने में करीब 5 से 7 वर्षों का समय लग सकता है। इनकी कार्यप्रणाली सभी जानते हैं और सभी पदोन्नतियाँ समय पर होती है। बात करते हैं पीसीएस अधिकारी की। एक पीसीएस अधिकारी अपने राज्य सेवा के नियमों के अनुसार करियर की शुरुआत करता है। पीसीएस अधिकारी की पदोन्नति की प्रक्रिया जिन आईएएस अधिकारियों के साथ काम कर रहे होते हैं उनकी तुलना में धीमी होती है। राज्य सेवा में काम करने वाले व्यक्ति को आईएएस अधिकारी के पद पर जितना प्रगति से काम में 15 से 17 वर्षों का समय लग सकता है, और संभव है उस ऊंचाई तक पहुँचने में पहले वह सेवानिवृत्ति भी हो जाए। हालांकि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के वरिष्ठ पदों पर 33 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सेवाओं के एक तिहाई पद राज्य सेवा में नियुक्त अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाने की आवश्यकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो चैनल पर अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी।